सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा इटावा में एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर पूरा मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर काम जोरों शोरों से चल रहा है और माना जाता है कि बहुत ही जल्दी इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 10 एकड़ की ज़मीन में यह मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, राम मंदिर बनने के बाद क्या इस मंदिर पर भी राजनीति गरमाएगी। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग युवा मौजूद हैं इटावा के, इनसे जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? रानू नाम है मेरा। ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ, इससे इटावा के लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा, इससे सरकार को भी फायदा है और यहाँ जो लोग नए घूमने आएंगे हम लोग भी नए लोगों से मिल सकेंगे। और हमारा घर तो पास में ही है, ज़्यादातर कॉलोनी यहीं कटी हुई है, तो हम लोग को बेसिकली फ़ायदा ये मिलेगा कि हम लोग केदारनाथ जाने का सोचेंगे तो इतनी दूर तो भाई इतनी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट ये सेम टू सेम केदारेश्वर वैसे ही बन रहा है। अभी हाल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या लगता है कि इस मंदिर को लेकर भी राजनीति गरमाएगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जो भी अखिलेश यादव जी को नहीं पसंद करते हैं वो शायद इस मौके की तलाश में हो कि वो ये बोलेंगे कि वो वहाँ पे नहीं गए थे, तो ज़रूरी चांस है कि वो बोलेंगे कि यहाँ पे जो उन्होंने मंदिर बनवाया है वो उसकी पूर्ति के लिए बनवाया है, तो ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं, पर कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि लोगों के दो फेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो वो दोनों चीज़ों के लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो जो राम मंदिर बनाया गया है वो भाजपा वालों का है, और ये जो मंदिर बनाया जाए क्या भगवान को भी राजनीति में तोला जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, भगवान सबके हैं और उनको भाजपा से या हम लोग सपा से कोई भी पार्टी से उसको नहीं तोल सकते। मेन ये है कि अगर हमारा मंदिर कार्य बन रहा है तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखें और उसको कार्य प्रगति में लें और उस पर देखें कि हम भाई पूजा पाठ कर सकते हैं अपना, इसको कोई भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ेंगे तो घाटा हमें हमारे ही है। और मेरे भाईजन, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप इन सब चीज़ों को पार्टी से तोलोगे तो इसमें घाटा आपका है, हम ही लोग पिसेंगे, गरीब पिसेगा, बाकी किसी का कुछ नहीं है इसमें। ये जो मंदिर का 10 एकड़ में निर्माण हो रहा है, ये किस स्तर पर मंदिर बनाया जा रहा है? ऐसा है, ये मंदिर केदारेश्वर मंदिर है, इसका नाम केदारेश्वर है और ये 3 साल से हमारे पूर्व जो मंत्री रहे हैं अखिलेश जी, उनका सपना रहा है कि वो केदारनाथ जैसा मंदिर अपने इटावा अपने प्लेस में बना के दें, तो इसका नाम केदारेश्वर है और ये सेम टू सेम, मतलब आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से ये केदारनाथ जैसा ही मंदिर बनेगा। आप एक बार देख भी सकते हो काफ़ी हद तक, और काम भी इतनी तेज़ चल रहा है, हम तो पास में ही रहते हैं तो हमें दिखता रहता है, बाकी बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत हम तो घूमने आते हैं तो हमें पता है, बहुत बढ़िया मंदिर। लगभग कब से निर्माण कार्य चालू है? 3 साल के आसपास से ये निर्माण कार्य चालू है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं, कब से देख रहे हैं आप इस मंदिर को बनते हुए? जब से ये करीब 3 सालों से बन रहा है तो काम ऐसे ही चल रहा है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो क्या लगता है इस मंदिर के बनने के बाद राजनीति होगी? राजनीति के लिए क्या, उन्होंने तो एक टॉपिक चाहिए, शायद इस पर भी हो सकती है, पर देखा जाए तो भगवान के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इटावा वालों को कितना फायदा होगा इस मंदिर में? इटावा वालों को बिल्कुल फायदा होगा, लाइन सफारी भी, और इसके आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी पहले जंगली था और अब लोगों ने काफ़ी कैंटीन खोल रखी है, टूरिज्म भी होगा, तो इनफैक्ट लोगों को तो होगा ही, काफ़ी फायदा होगा। मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह मेरा नाम है। मंजीत, ये जो मंदिर बन के तैयार हो रहा है, किस हद तक इटावा वालों को क्या लगता है, इटावा वाले केदार मंदिर जाना बंद कर देंगे, शिव दर्शन करेंगे? नहीं नहीं, जो लोग मतलब फैसिलिटी है, जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, जो आर्थिक मतलब नहीं है वहाँ के, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पे आएंगे, जिससे कि यहाँ की सरकार को बहुत ही फायदा होगा। अब देखने वाली बात ये होगी, राम मंदिर के निर्माण के बाद, एक केदारेश्वर मंदिर बनने के बाद राजनीति पर कैसी किस तरह की राजनीति होती है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया न्यूज़ के लिए सौरभ सिंह, इटावा। बोलना हो इसके पीछे बोल सकते हैं।